हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कटर जॉइंट। कटर जॉइंट की मैंने डिज़ाइन कराई हुई थी। अब उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कटर जॉइंट के न्यूमेरिकल्स। कटर जॉइंट के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये क्वेश्चन है कटर जॉइंट का। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन एंड ड्रा अ कटर जॉइंट टू सपोर्ट अ लोड वेरियंग फ्रॉम 30 kN एंड कंपेरिजन टू 30 kN एंड टेंशन। एक कटर जॉइंट की डिजाइन करना है जिसमें कि एक टेंशन दिया हुआ है, जो हमने टेंसाइल स्ट्रेस दिया हो इक्वल टू कंप्रेस स्ट्रेस इक्वल टू 50 MPa। द मटेरियल यूज्ड इज कार्बन स्टील, जिसमें मटेरियल यूज हुआ है कार्बन स्टील का है, और कुछ इसमें स्ट्रेस दी हुई है जो कि हम लोग इसमें दिया हुआ टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ 50 MPa, शेयर स्ट्रेस दिया हुआ 35 MPa, क्रशिंग स्ट्रेस दिया है 90 MPa। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ एक लोड दिया हुआ है, लोड हमको दिया हुआ P इक्वल टू 30 kN। न्यूटन में चेंज करेंगे 30 × 10⁻³ N। टेंसर स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा टी इक्वल टू 50 MPa, इसको न्यूटन पर एमएम में चेंज करेंगे तो 50 N/mm². कंप्रेसर स्ट्रेस दिया हुआ टाउ इक्वल टू 35 MPa, इसको चेंज करेंगे तो 35 N/mm². क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा सी इक्वल टू 90 MPa, इसको न्यूटन एमएम में चेंज करें तो 90 N/mm². ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख करके इसके बाद हम इसकी डिजाइन करते हैं। कटर जॉइंट का जो डायग्राम है वो इस तरीके का होता है। ये डायग्राम है, डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। जैसे डायग्राम है, डायग्राम में हमारे एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। एक ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये वाला है। ए और बी पार्ट को आपस में मिला करके और एक कटर से हम लोग इसको एक जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम कटर जॉइंट बोलते हैं। अब इसमें ये जो पोर्शन होता है इसको हम रॉड बोलते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम सॉकेट बोलते हैं, और ये इसका जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं सॉकेट कूलर, और ये होता है इंटरनल वाला स्पिगॉट, और ये होता है स्पिगॉट कूलर, और ये आगे रॉड होता है, और ये इसमें कटर फिट किया जाता है। रॉड में जो लोड लग रहा है ये पी है, पी लोड लग रहा है दोनों साइड, एक्सटर्नल लोड लग रहा है। डी डायमीटर लग रहा है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। D1 डायमीटर ऑफ सॉकेट है, D2 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट है, D3 डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कोलर है, और D4 इसमें क्या है डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। कटर, कटर की विड्थ है B, इसके डिस्टेंस A है, और ये है E है, इतने इसमें पैरामीटर है, और C है इसमें थिकनेस ऑफ सॉकेट कोलर। इस तरीके से हम इसमें अब सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम रॉड के डिजाइन करते हैं। तो रॉड के लिए डायमीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिजाइन में आता है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारे इसमें डायमीटर ऑफ रॉड, रॉड का डायमीटर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। इसमें रॉड का डायमीटर निकालते हैं तो फार्मूला होता है रॉड के लिए, लगाते हैं पी इक्वल टू 5/4 D² × σt। ये फार्मूला लगता है इसमें पी इक्वल टू 5/4 D² × σt। इसमें सिग्मा टी की वैल्यू ये दी हुई है, पी हमको ये दिया हुआ है, इसमें से डायमीटर ऑफ रॉड निकाल लेंगे। पी कितना दिया हुआ हमारे पास, पी दिया हुआ 30 × 10⁴ π/4 D² × σt। कितना दिया हुआ है हमारे पास 50 दिया हो, इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा D² = 30 × 10⁴ π/50। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 763। डायमीटर रॉड निकालेंगे तो D = हो जाएगा 27.6, इसको हम 28 mm बोल सकते हैं। ये निकल आएगा डायमीटर ऑफ रॉड, रॉड का डायमीटर निकाल सकते हैं इसके द्वारा। सबसे पहले निकालेंगे डायमीटर ऑफ रॉड, सेकंड
डायमीटर ऑफ रॉड के बाद सेकंड स्टेप आएगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट एंड थिकनेस ऑफ कटर। स्पिगॉट का डायमीटर क्या दिया हुआ D2, कटर का थिकनेस T है, इसमें हम लिख सकते हैं लेट डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कौन सा है, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट इसमें है D2 और थिकनेस ऑफ कटर क्या है, थिकनेस ऑफ कटर है T। हमको D2 और T की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ स्पिगॉट निकालेंगे, तो एक लगाएगा फार्मूला P इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये लगेगा सबसे पहले इसमें सिग्मा टी हमको मालूम है टी इक्वल टू, क्योंकि टी इक्वल टू होता है डी टू बाई फोर, तो टी के वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जाएगा पी इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू इंटू डी टू बाई फोर इंटू सिग्मा टी। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा पी की वैल्यू रखेंगे 30 इंटू टेन रेज टू क्यूब इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर अपॉन फोर इंटू सिग्मा टी, कितना अपने पास 50। इसमें हम यहां लिख लेते हैं P इक्वल टू दिया था हमारे पास 30 इंटू टेन वेज टू क्यू न्यूटन, सिग्मा टी है 50 मेगा पास्कल 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाउ इक्वल टू 35 इक्वल टू 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और सिग्मा सी इक्वल टू कितना अपने पास 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा। अब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 इंटू टेन वेज टू क्यूब इक्वल टू 26.8 डी टू का स्क्वायर, कॉमन लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26.8 और डी टू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू टेन वेज टू क्यूब अपॉन 26.8, इसका आ जाएगा 111.4। इसको जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा D2 इक्वल टू 33.4 से 34 mm, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। डायमीटर ऑफ स्पिगॉट हम निकाला, हमने डायमीटर ऑफ स्पिगॉट D2 निकाला तो P इक्वल टू लगाया पाई बाई फोर D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू T इंटू सिग्मा T, T इक्वल टू होता है D2 बाई फोर, ये हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये हो गया। इसके बाद हमने इसको T2 को कॉमन ले लिया और इसको जब हम इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा आ गया ये, इसको इसको डिवाइड कर दिया ये और इसको D2 इक्वल टू ये 30 mm आ गया, क्योंकि थिकनेस ऑफ कटर, अब थिकनेस ऑफ कटर निकालना है तो थिकनेस ऑफ कटर होता है क्या, थिकनेस ऑफ कटर, थिकनेस ऑफ कटर होता है T इक्वल टू D2 बाई फोर, इसकी D2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, D2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा T इक्वल टू 34/4, ये आ जाएगा 8.5 mm, तो थिकनेस ऑफ कटर क्या हो गया हमारे पास 8.5 mm। इस तरीके से हम थिकनेस ऑफ कटर निकालेंगे। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे लेट
अस नाउ चेक दी इंड्यूस्ड किर्शिंग स्ट्रेस। वी नो दैट लोड लोड पी, जब हमने यहां पर डी टू की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू निकाल दी, इसके बाद हम क्रशिंग स्ट्रेस को चेक करेंगे। लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड इस क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस जब चेक करेंगे तो हो जाएगा पी इक्वल टू डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। पुट कर देंगे डी टू टी और पी की वैल्यू। पी कितना है 30 इंटू 10^3 इक्वल टू, टी टू कितना आया अपने पास 34, टी कितना आया 8.5 इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 10^3 अपॉन 34 इंटू 8.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 103.8 न्यूटन पर mm². इस सिग्मा सी की वैल्यू आएगी 103.8 न्यूटन पर mm². ये क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू आएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें सिग्मा सी की वैल्यू कंपेयर करना है। सिंस दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा सी इज मोर देन द गिवन वैल्यू ऑफ सिग्मा सी इक्वल टू 90 न्यूटन पर mm², सो डी टू एंड टी वैल्यूज आर नॉट सेफ। जब हम सिग्मा सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सिग्मा सी जो ये हमारे पास आया 103.8 और जो क्वेश्चन में सिग्मा सी दिया हुआ 90 न्यूटन पर mm², इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारा अगर सिग्मा सी की वैल्यू इस वाले सिग्मा सी की वैल्यू से कम आए या उसके बराबर आए, लेस देन आए गिवन वैल्यू से, लेस देन आए या इक्वल आए, तो हम इस पर ये डी टू और टी की वैल्यू सेफ है। अगर इससे ग्रेटर देन या आती है तो ये सेफ नहीं है। इसमें लिख दिया मैंने सिंस दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा सी इज मोर देन द गिवन वैल्यू ऑफ सिग्मा सी इक्वल 90 न्यूटन पर mm², डी टू और टी आर वैल्यू आर नॉट सेफ। तो हम इसमें डी टू और टी की वैल्यू फिर से निकालेंगे, तो हम फिर से निकालेंगे तो हम इस फार्मूले को फिर यूज करेंगे। तो हो जाएगा पी इक्वल टू डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। ये फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले के बाद हम इसमें रखेंगे क्योंकि टी इक्वल टू होता है डी टू बाई 4। तो पी इक्वल टू इसको यहाँ पुट कर देंगे डी टू इंटू डी टू बाई 4 इंटू सिग्मा सी। पुट करेंगे वैल्यू 30 इंटू 10^3 इक्वल टू डी टू का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सिग्मा सी कितना है 90। 90 को पुट कर देंगे, इसके बाद इसको हम निकालेंगे तो जाएगा डी टू का स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 10^3 इंटू 4 अपॉन 90। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 133। डी टू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36.5 से 40 mm। 40 mm इसको हम कह सकते हैं, इससे हम डी टू की वैल्यू निकालेंगे। वैसे डी टू की वैल्यू निकालेंगे चूंकि हमारे सिग्मा सी की वैल्यू दी हुई वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए डी टू और टी की वैल्यू सेफ नहीं है। तो हमने निकाला सर पी इक्वल डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा सी। टी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, दिया गया नीचे यहाँ पर हमने पूरा वैल्यू पुट कर दी तो हमारा डी टू की वैल्यू निकल आई।
डी टू की वैल्यू निकलने के बाद हम लोगों को निकालना है थिकनेस ऑफ कटर, थिकनेस ऑफ कटर, तो टी इक्वल टू डी टू बाई फोर। डी टू की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो हो जाएगा 40/4, टी इक्वल टू हो जाएगा 10 mm। थिकनेस ऑफ कटर आ गया इसमें 10 mm। इस तरीके से हम इसकी डिजाइन करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड स्टेप, डायमीटर ऑफ सॉकेट। ये डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो जब हम इसमें डायमीटर ऑफ सॉकेट लेंगे तो लेट डायमीटर ऑफ सॉकेट इक्वल टू लेंगे डी वन। डी वन को लेंगे हम डायमीटर ऑफ सॉकेट, मतलब डी वन बिल्लू निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इसमें, पी इक्वल टू 5/4 डी वन का स्क्वायर माइनस डी टू का स्क्वायर माइनस डी वन माइनस डी टू इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये फार्मूला लगाएंगे इसमें, हमको इसमें से डी टू मालूम है, टी मालूम है, सिग्मा टी मालूम है, तो डी वन की वैल्यू आराम से इसमें निकल आएगी। P की वैल्यू हो जाएगी 30 × 10^3 इक्वल टू 5/4 डी वन का स्क्वायर, ये नहीं मालूम हमको, डी टू कितना हमारे पास 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी वन माइनस 40 × 10 × सिग्मा टी कितना अपने पास, सिग्मा टी है 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इस तरीके की इक्वेशन, 30 × 10^3 / 50 इक्वल टू, इसको हम यहाँ ले आए, इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5/4 × d1² तो हो जाएगा 0.7854 d1² इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12.56.6। इसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा -10 d1 और इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा +400। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारे पास 0.7854 d1² -10 d1 हो जाएगा -12.56.6 + 400 -30 × 10^3 / 50 ये निकल आएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम 0.7854 से सब में डिवाइड कर देंगे तो हमारे इसके वैल्यू, इसके इक्वेशन आ जाएगी d1² -12.7 d1 -18.54.6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इसमें आ गई, तो ये इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को आने के बाद इस इक्वेशन को आने के बाद इसको हमने यहाँ लिख लिया d1² -12.7 d1 -18.54.6 इक्वल टू 0। ये क्योंकि एक स्क्वायर इक्वेशन होती है, एक ax² bx + c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे इसको तो
हो जाएगा ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू हो जाएगा -12.7, सी इक्वल टू हो जाएगा -18 1854.6। फार्मूला होता है एक एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस ये वाले फार्मूले इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग d1 = -b कितना हो जाएगा 12.7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है -12.7 का स्क्वायर -4 × a1 है इंटू सी कितना है -18 54.6/2 × 1। ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास d1 = 12.7 प्लस माइनस 87.1/2 हो जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो हो जाएगा d1 = 12.7 प्लस 87.1/2। ये आ जाएगा हमारे पास 49.9 से 50 mm हो जाएगा। तो d1 = हो गया हमारे पास 50 mm। इस तरीके से निकालेंगे हम डायमीटर ऑफ सॉकेट। डायमीटर ऑफ सॉकेट के लिए हमने ये फार्मूला लगाया है, डायमीटर ऑफ सॉकेट निकालना है, d1 निकालना है, p = π/4 d1² - d2² d1 - d1 - d2 × t × σt। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिए, ये p की वैल्यू रख दिए, d2 की वैल्यू ये रख दिए, d2 की वैल्यू ये, t की वैल्यू ये, सिग्मा टी की वैल्यू ये। इन सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने ये वैल्यू रखी, इस फार्मूले में हमने इसमें वैल्यू पुट करी, इसके बाद हमारा पॉजिटिव साइन लिया तो हमारे पास d1 = 50 mm आ गया। जब हम d1 निकाल लेंगे फोर्थ स्टेप विड्थ ऑफ कटर, कटर का विड्थ निकालेंगे तो विड्थ ऑफ कटर निकालेंगे तो लेट पी इक्वल टू विड्थ ऑफ कटर होता है। इसमें हमारा फार्मूला हो जाएगा p = 2b × t × tau। ये फार्मूला रखेंगे, इस फार्मूले में हम टाउ की वैल्यू, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू रख देंगे। 30 × 10³³ = 2b × t कितना था 10 × tau कितना है 35। सेपरेट करेंगे तो 2b = हो जाएगा 30 × 10³³ / 10 × 35। इसको और सेपरेट कर देंगे इस साइड तो b = हो जाएगा 30 × 10³³ / 10 × 35 × 2। इसको हो जाएगा बिटता पटा 43 mm। तो b = हो गया हमारे पास 43 mm। ये बिटता कटर निकल आया। बिटता कटर के बाद हम निकालते हैं डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। ये डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर D3, ये डिजाइन होगा, ये हो गई, ये हो गई, कटर की डिजाइन हो गई। अब हम लोग सॉकेट कोलर पे आए हैं, हम निकालेंगे फिफ्थ स्टेप डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। तो इसमें हम डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर के लिए लेंगे लेट d4 = डायमीटर ऑफ सॉकेट कोलर। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा p = d4 - d2 × t ×
सिग्मा सी, ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला लगाने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी 30 × 10⁻³ डी फोर, हमको नहीं मालूम तो डी फोर माइनस डी टू कितना है 40 × 10 × σc कितना अपने पास 90। इसको हमने सॉल्व किया तो डी फोर माइनस 40 × 30 × 10⁻³ / 10 × 90। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33.3। तो डी फोर इक्वल टू हो जाएगा 33.3 + 40 73.3। इसको हम करेंगे 30 × 10⁻³ = d4 − 40 × 10 × 90। इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा d4 − 40 = 30 × 10⁻³ / 10 × 90। इसका आ जाएगा 33.3। तो d4 = हो जाएगा 33.3 + 40 = 73.3। इसको हम 75 mm बोल सकते हैं, तो हो जाएगा d4 = 75 mm। ये d4 आ जाएगा डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर। फिफ्थ स्टेप है हमारा डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर। तो सॉकेट कूलर मतलब ये वाला d4। हमने लिया लेट d4 = डायमीटर ऑफ सॉकेट कूलर, फार्मूला p = d4 − d2 × t × σt। वैल्यू पुट करें, पी की वैल्यू ये रख दिए, डी फोर हमको नहीं मालूम, डी टू की ये 10 × 90। इसको हमने जो सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 75 mm डी फोर आ गया। सिक्स्थ स्टेप, थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर। थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर निकालेंगे तो थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर होती है ये वाली, जिसमें हम लेंगे लेट c = थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर। सॉकेट कूलर की थिकनेस होती है c, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे p = 2d4 − d2 × c × tau। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम लोगों को डी फोर डी टू टाउ उस पी सब की वैल्यू मालूम है, तो इसमें रखेंगे पी की वैल्यू 30 × 10⁻³ = 2। डी फोर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75, डी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, सी इंटू टाउ कितना अपने पास 35 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2450 सी, c = हो जाएगा 30 × 10⁻³ / 2450। इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 mm, थिकनेस हो जाएगा 12 mm। इस तरीके से हम थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर निकालेंगे। थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर कैसे निकालेंगे, लेट c = थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर, ये होती है ये वाली थिकनेस ऑफ सॉकेट कूलर। तो p = d4 − d2 × c × tau, p की वैल्यू ये रखती है, d4 की है, d2 की है, tau ये रखती है, सबको सॉल्व करें तो हमारा ये आ गया c = हमने कर दिया 12 mm आ गया। सिक्स्थ स्टेप हो गया, सेवन डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट
टू द एंड ऑफ द रॉड। नेक्स्ट निकालना हमको डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड, ये होता है लेट ए इक्वल टू होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड।